आणि मग जय विजय पराभव या सगळ्या गोष्टी होत असतात, परंतु केवळ निवडणुका लढवणं आणि निवडणुका जिंकणं एवढंच काही आयुष्य नसतं. ज्या पक्षाला आपण स्वीकारतो, ज्या पक्षाची विचारधारा आपण स्वीकारतो, मान्य करतो, त्या पक्षाचं काम करत राहणं आणि निष्ठेने पक्ष पुढे नेणं हे प्रत्येक पक्षाच्या कार्यकर्त्याचं काम असतं. मला असं वाटतं मी आणखीन काही बोलण्यापेक्षा ओळख करून देण्याची आवश्यकता नाही. प्रियंकाजींची अत्यंत मजबूतीने ठामपणाने आजपर्यंत त्यांच्या पक्षाची भूमिका मांडत आल्या. बराच विचार केल्यानंतर त्यांना असं वाटलं की त्या ज्या काही करू इच्छितात ते करण्यासाठी मला आज अभिमान वाटतो, एक समाधान आहे की त्यांना शिवसेना हा पक्ष, ही संघटना अधिक योग्य वाटली आणि म्हणून त्यांनी आज शिवसेना पक्षात आणि शिवसेना परिवारामध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. प्रियंकाजी, आपका मैं स्वागत करता हूं और मला माहिती आहे, मला खात्री आहे की त्यांची बाजू किंबहुना त्यांचे जे काही विचार आहेत ते माझ्यापेक्षा त्या अधिक प्रभावीपणे आणि मजबूतीने मांडू शकतील, म्हणून मी त्यांना सांगतो आपी अभी बताइए. आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार. श्री उद्धव जी, आदित्य जी और सुभाष जी ने आज मुझे इतने सम्मान से पार्टी में जोड़ा है, परिवार के रूप में, परिवार के सदस्य में जोड़ा है, उसकी मैं बहुत आभारी हूं. मैं अपनी कुछ पृष्ठभूमि देना चाहती हूं जिससे मैं आपके बीच में ये समझा सकूं कि मुंबई और महाराष्ट्र से मेरे क्या रिश्ते हैं. मेरी जन्मभूमि ही नहीं, मेरी कर्मभूमि रही है. 2008 में जब मैं खुद सर्विस में काम कर रही थी, खुद की नौकरी थी, राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, और जब 26/11 हुआ था तो उससे मुझे बहुत चोट पहुंची थी. और मुंबई कर होने के नाते मुझे लगा था कि अगर आज मैं जागरूक मुंबई कर ना बनकर मुंबई के लोगों के साथ हाथ में हाथ लगाकर उनकी सेवा में शुरुआत नहीं करूं तो मैं मुंबई कर होने के नाते अपने आप को फेल कर रही हूं. और उसी के चलते मैंने एक संगठन शुरू किया था जो छोटे बच्चों को पढ़ाता था, शिक्षा देता था, इस उम्मीद में कि मैं आने वाली जो पीढ़ी है वो किसी तरीके से बुरे कामों से प्रभावित होकर ऐसे काम ना करे जो हमारे देश के लिए हानिकारक हो, मेरे शहर के लिए हानिकारक हो. बचपन से यहाँ पे पली बड़ी हूँ, मैंने सुरक्षा देखी है किस तरीके से. मुंबई को मैं रात में 2 बजे भी जाऊं, कोई नौकरी करना चाहूं, कोई कपड़े पहनना चाहूं, किसी तरीके की रोक टोक नहीं थी. और यही सोच विचार लेकर मैं जब राजनीति से जुड़ी, मैं यही उम्मीद से लेकर गई थी कि ऐसी मुंबई मुझे 10 जगह और बनानी है. और यही सोच मुझे लेकर जानी है, महिलाओं का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, वो मेरे बहुत ही करीब था. और काम करते करते मैं मुंबई से अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रही थी.